हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्पंदन अकेडमी क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फिफ्थ टुडे वी रीड लेसन थ्री लेसन नेम द ग्रेट बनियान दैट मीन्स बरगद का पेड़ आवर फर्स्ट लाइन इज जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली द बनियान इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलिस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज जैसे बड़े लोग बड़े सज्जन होते हैं वैसे बड़े बड़े पेड़ भी बहुत फ्रेंडली होते हैं ऐसे ही बरगद का पेड़ होता ऐसे ही बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है फ्रेंडली नेचर का होता है वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आवर सिटीज नाउ अ डेज दिस ट्री रिक्वायर प्लैंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड दैम सेल्फ आउट बट इन अवर ओवर क्राउडेड सिटीज वेयर दे आर इज बेयरली इनफ लिविंग Space for people. It is too hard to find a full, a full-grown banyan tree. After all, a full-grown banyan tree takes up as much space as a three-story building. Of course, spacious parks have banyan trees, and every village has at least one. That means. आजकल हम बरगद के पेड़ को सिटीज़ वगैरह में सिटीज़ वगैरह में नहीं देख सकते हैं यह ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत होती है अपने यहाँ के जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला ट्रैफिक वाली सिटी है वहाँ पर रहने के लिए भी मुश्किल से जगह मिलती है और जो बनियान ट्री होता है उसको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है और जो बरगद का पेड़ होता है उसके उसको पूरी तरह उगने के लिए थ्री स्टोरेज बिल्डिंग की जरूरत होती है माने जो बरगद का पेड़ होता है उसके लिए क्या होता है उगने के लिए थ्री स्टोरेज बिल्डिंग की जरूरत होती है ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है और जो बड़े बड़े पार्क होते हैं वहाँ पर एक ना एक बरगद का पेड़ होता है और गाँव में भी एक ना एक भी आपको एक ना एक बरगद का पेड़ देखने को ज़रूर मिलेगा द बनियन तरी हैज वट आर कॉल्ड एरियल रूट्स दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द्राउंड अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन दियर ऑन दियर फॉर आफ्टर सम ईर्स द थ्री फॉर्म्स ऑफ फॉरस्ट ऑफ इट्स ऑन विच इज टू बिक टू बी सीन एट वंस और जो बरगद का पेड़ होता है उसको हवाई जड़बी बोलते हैं और जो इसकी शाखाएँ हैं वो नीचे ज़मीन पर वो नीचे ज़मीन को छूती हैं और जो इसकी रूट्स है उस पर हम झूला बनाकर झूलते हैं और कुछ साल बाद यह पेड़ एक जंगल बन जाता है और बहुत सारे पेड़ मिलकर और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ मिलकर जंगल बन जाते हैं जिसको हम एक बार में नहीं देख सकते हैं नो वंडर द बनियान वॉज चूसन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड सिवा और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब भगवान शिव ने अपने बालों बालों की जटाओं के लिए बरगद के पेड़ को ही चुना गया था द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान आर लाइक प्लर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग द चिल्ड्रन यूज दिस रूट्स एज स्विंग्स एंड एंजॉय स्विमिंग इफ यू डिस्ट्रॉय द द्लर्स

सपोर्ट के और बच्चे इन रूट्स का झूला बनाकर कर इंजॉय कर इन्जोय करते हैं अगर हम पिलर को खराब कर दे तो बिल्डिंग गिर जा गिर जाएगी वैसे ही ऐसे ही बनियान ट्री है अगर हम इसके रूट्स को खराब कर दे तो वह भी गिर जाएगा द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स टू इज द स्पेस द अदर ट्रीज नीड दिस ट्रीज शुड नॉट बी प्लान्ट क्लोज टू अ हाउस अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम और जो बिजी रोड रहते हैं बिजी रोड रहती है गार्डन रहते हैं वहाँ पर यह पेड़ नहीं लगा सकते हैं उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और यह पेड़ को हम अपने घर के बाजू में भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी जो शाखाएँ हैं वह हमारे बेडरूम के दीवारों तक पहुँच जाती है। इट इज ऑलवेज कूल डार्क एंड सैडी बीनीथ अबनिया ट्री एंड इट इज अ गुड ट्री फॉर क्लिम्बिंग यू कैन क्लिम इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफिकल्टी एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ फेलिंग ऑफ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन वन कैन लीन अगेंस्ट अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक and nobody will बिल you यू you यू बिल बी hidden हिडन the द shining leaves लीव्स यह बहुत ठंडी होती हैं और इस बनियान ट्री के नीचे बैठकर ठंडी छाव ले सकते हैं और ये चरने के लिए भी अच्छी ट्री है और हम इसकी शाखाओं पर आसानी से चढ़ सकते हैं और हमको गिरने का भी कोई डर नहीं होता है और यह बहुत आरामदायक पेड़ है बैठने के लिए और इसकी शाखाओं में हम बैठकर झुककर आसानी से बुक पढ़ सकते हैं और हमें कोई परेशान भी नहीं कर सकता क्योंकि तो हम इसकी पत्तियों में छुप जाते हैं द बनियान इज ऑल ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल अपार्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स लाइक बर्ड्स स्क्वेर इंसेक्ट एंड फ्लाइंग फॉक्सिस मैनी इंटरेस्टिंग creatures actually live in the tree which is which is full of dark private corners just right for different kinds of tenants the banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other और जो बनियान का पेड़ है वह बहुत एक मेहमान नवाज है लड़का और लड़कियों के अलावा यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं जैसे कि बर्ड स्क्वायरल, इंसेक्ट फ्लाइंग फॉक्सेस और बहुत सारे जीव जंतु अपना घर इस पेड़ पर बनाकर रहते हैं और वो प्राइवेट कॉर्नर इस पेड़ में ढूंढ लेते हैं और वो एक किराएदार की तरह रहने लगते हैं जो बरगद का पेड़ है वह एक होटल है और जैसे होटल है जैसे कि लोग यहाँ पर रह सकते हैं बिना परेशानी के बिना बगैर परेशानी के वह रह सकते हैं बिल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई बिच लीव्स हर एक्स इन दियर केयर एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्रल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट्स एंड स्टिकी हनी ऑन देम, सो द फ्रेंडली बनियान ऑफर्स सम थिंग्स टू बी एवरी विजिटर्स और जो इसकी पत्तियाँ रहती हैं वह बहुत नाजुक रहती हैं बहुत सॉफ्ट रहती हैं और इसका जो मानसित्व होता है वह तितलियाँ देखती हैं और इसके जो अंडे होते हैं अंडे होते हैं वह तितलियों के पास छोड़कर जाती वह तितली और तितलियों के जो अंडे होते हैं वह पत्तियों के पास छोड़कर जाती है और जो गुलहरी होती है वह वह यहाँ पर आकर अपने लिए स्वीट सा हनी ढूंढती है और जो बनियान कटरी होता है वो सबके लिए फ्रेंडली रहता है एवरीबडी कैरिस मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड इट एंड इन इट दे आर इज अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बनियान इन फैक्ट इट इज दिस इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द People that make the banyan immortal, even there is a popular belief which has its roots in mythology that a banyan is a god and people worship it. That's why the banyan has always been regarded as a secret and surviving member of the society and not just a tree. सब लोग जैसे अपनी पास्ट मेमोरीज हैं उनको याद रखते हैं और यह ओल्ड बनियान पर विश्वास करते हैं और सब लोग अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जो बनियान ट्री है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और यह जाना माना विश्वास भी है और पौराणिक कथाओं में भी यह बताया गया है कि जो बनियान ट्री होता है वह एक भगवान है और पीपल इसकी पूजा करते हैं लोग हमेशा इसकी पूजा करते हैं और हमेशा यह माना जाता है कि यह बहुत पवित्र पेड़ है और यह जीवित सदस्य जैसा माना जाता है यह जीवित सदस्य जैसा माना जाता है ना कि यह एक पेड़ यह एक पेड़ नहीं एक जीवित सदस्य भी है